आइए नमस्कार मित्रों। आज कुछ दिन बाद क्लास चल रही है, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। आज की क्लास में अभी तक आपने देखा कि आईपीसी के कुछ वो चैप्टर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, उसी के उद्देश्य को लेकर की चीजें चलाई जा रही है। चंद्रा आईएएस का मंच आपको यूपीएसआई के लिए एक कुछ ये पैकेज के हिसाब से आप मान के चलिए कि आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं आपको आईपीसी के कुछ उन प्रोविजन पे आज चर्चा करूंगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट शायद चल रहा है, जनरल एक्सेप्शन का पार्ट चल रहा है, उसी जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में अभी आपको प्राइवेट डिफेंस भी पढ़ना है, जो 76 से लेकर के जो आपका 76 से लेकर के 95 का जो सेक्शन है, इसी में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। और इसको अगर देखा जाए तो 106 तक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना है। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति, हमने उस दिन चर्चा किया था कि ऐसे वो व्यक्ति जो अपराध, जो कार्य जो कर रहे हैं, वह कार्य सामान्य रूप से तो अपराध है, लेकिन उनकी हैसियत ये है कि उनको कानून ने कुछ मामलों में इतनी छूट दे रखी है कि अगर वह अपराध कर रहे हैं, अपराध का मतलब ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अगर सामान्य व्यक्ति कर दे तो अपराधी हो जाए, लेकिन कानून ने उनको कुछ हद तक छूट दी है जिससे वो अपना बचाव कर सके और वो पूर्णतया छूट जाते हैं, एक्विटल हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उनके ऊपर दोषारोपण नहीं होता। देखिए क्या क्या सेक्शन है, अभी तक आपने देखा धारा 81 तक आप पिछले क्लास में हुई है, अब आज हम धारा 82 से आपको चर्चा करते हैं, किसकी, इंडियन पैनल कोड की। धारा 82 कह रही है कि अगर कोई ऐसा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम हो, ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट चीज है, बिलो 7 इयर्स का कोई भी चाइल्ड हो, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे किसी व्यक्ति की जान चली गई, या कोई ऐसा काम हुआ हो जो अगर कोई सामान्य व्यक्ति करता तो अपराध हो जाता कानून की दृष्टि से, ऐसी ही स्थिति में अगर वही काम 7 साल के नीचे का बच्चा कर रहा है, ध्यान रखिएगा एक एक लोग ध्यान रखिएगा, 7 साल के नीचे का बच्चा कर रहा है तो उसको पूर्णतया उन्मुक्ति का प्रावधान दिया गया। क्या कहा गया है, उसको दोषी ही नहीं करार किया जाएगा। क्यों, उसको कानून डॉली कैपेक्स के, डॉली इन कैपेक्स के नाम से जानता है। एक वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है अक्षम गुड़िया, मतलब वो ऐसा है जिसके जो कुछ समझ ही नहीं रहा। वो बात अलग है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 7 साल के तक ही हैं, तब भी उनको ये चीजें पता हैं, लेकिन कानून ऐसे बच्चों को जो 7 साल से कम के बच्चे हैं, अगर वह ऐसा कोई काम करते हैं जो सामान्य व्यक्ति करता तो अपराध होता। तो ध्यान रखिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 82 ऐसे बच्चों को पूर्णतया छूट देती है, उनको अपराधी घोषित नहीं करती, पूरी तरीके से वो छूट जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम 83 को जोड़ते हैं मित्रों, धारा 83 यूपीएसआई वाले खास करके ध्यान दें, ये सारे सेक्शन आपके लिए जरूरी हैं। धारा 83 कह रहा है मित्रों, 7 से ऊपर और 12 से कम। अभी तक आपने क्या देखा 82 में, 82 में आपने देखा कि 7 से कम वाला बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो अपराधी नहीं होगा, लेकिन 83 कह रही है कि 7 साल के ऊपर और 12 साल से अगर वह कम है, ऐसा बच्चा अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो आपराधिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से उसको अपराध घोषित किया गया है, तो ऐसे बच्चे पूर्णतया छूट के हकदार नहीं हैं। ध्यान रखिएगा ये पूर्णतया नहीं छूट, 7 साल वाला तो पूर्णतया छूट गया, लेकिन यहां पे कह रहा है यह पूर्णतया छूट के हकदार नहीं है। क्यों नहीं है, यहां न्यायालय क्या देखेगा, इनकी समझ देखेगा भैया, इनकी समझ क्या है, ये किस स्तर की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब आपको यहीं पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ये दें कि अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा जो 7 साल के ऊपर का है, मान लीजिए हम इसको 8 साल कह रहे हैं, ये 8 साल का है, ए नामक बच्चा 8 साल का है और बी नामक बच्चा मान लीजिए 11 साल का है,
अब देखिए यहां तो पूर्णतया छूट है भैया, 7 साल के नीचे वाला। यहां क्या कह रहा है, ए मान लीजिए 8 साल का है, ये 8 साल का है, और बी जो है 11 साल का है। ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों ने किसी सी नामक व्यक्ति की धारदार हथियार से या किसी तरीके से हत्या कर दी, हत्या का मतलब जान ले ली, मैं यहां आरोपित नहीं कर रहा हूं, जान ले लिया। अब समस्या क्या है, सी नामक व्यक्ति को मारा किसने, ए ने भी मारा और बी ने भी मारा, मिलकर मारा, दोनों बच्चे थे। मान लीजिए कोई चाकू रखी हो, गड़ासा रखा हो, कुछ भी रखा हो, उससे दोनों ने सी का गला काट दिया। जब काट दिया ऐसी स्थिति में अब देखिए यहां पॉइंट 7 से ऊपर 12 से कम, दोनों की स्थिति यही है, 7 से ऊपर है ये, 12 से कम। यहीं पर जो ए नामक बच्चा है 8 साल वाला, यह जैसे ही ब्लड देखा, जैसे ही देखा कि अब इनकी सांस रुक गई, ये बोल नहीं रहे हैं, ये डर गया और डर करके यह घर छोड़ करके भाग गया। ये भाग गया या क्या हुआ गया, लोगों के डर के मारे छुप गया कहीं। और जो ये वाला बच्चा है ये क्या किया, ये ब्लड देख रहा है लेकिन उसी व्यक्ति से लिपट करके रो रहा है कि तुम जाग क्यों नहीं रहे। मतलब ये चीजें क्या है, ये कहीं भागा नहीं है, ये सिर्फ उस ब्लड को देख रहा है, उस लाश को देख रहा है, उससे लिपट रहा है। और जो बिहेवियर उसके डेथ के पहले कर रहा था उसके साथ, वही बिहेवियर अभी भी कर रहा है। बस वो इस प्रयास में है कि वह जो व्यक्ति बोल नहीं रहा है वह उससे बात करे। जो 11 साल वाला बच्चा, ये भागा नहीं कहीं, ये छुपा नहीं कहीं, ये वहीं बैठा है। अब आप स्वयं बताइए कौन ज्यादा समझदार है, 8 साल वाला? हर आदमी कहेगा 8 साल वाला समझदार है। अब यहीं पे कानून पकड़ता है 7 साल और से ऊपर और 12 से कम वाला। अब यहां 11 तो आपके इस वाली कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन भले यह 8 साल का है, इसकी समझदारी आप देखिए कितनी है। इसकी समझदारी में ये है कि इसको ये बात पता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमको डांट पड़ेगी या मार खा जाएंगे। तो मान्यवर इसमें क्या होगा, इनकी क्या देखी जाएगी, दोनों की समझ देखी जाएगी। और दोनों की समझ देख करके जिसको समझदार, समझ का मतलब यह है कि उसको यह पता चल जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, या कई सारी गाइडलाइन है, अभी नहीं, बहुत पहले की भी गाइडलाइन है, कि भैया हमको सिर्फ 12 से बिलो से बिलो 12 इयर्स और अबव 7 इयर्स में सिर्फ ये देखना है कि उसकी समझदारी कितनी। अगर उसकी समझदारी क्लियर हो गई कि हाँ वो इस चीज को समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, तब तो वह अपराध की दृष्टि में उसको देखा जाएगा। अदरवाइज उसको इसी में जोड़ दीजिए कि वो कुछ समझ ही नहीं रहा तो छूट जाएगा। लेकिन जो अपराधी हो गया, मतलब जो समझदार है, अब उसके साथ कानून क्या व्यवहार करेगा आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ इसको तुरंत उन अपराधियों की तरीके से हत्या का दंड नहीं दिया जाएगा, इसको एक रिफॉर्मेटिव सेंटर होता है। जैसे आपने देखा होगा निर्भया कांड में देखा, वो माइनर थे, ये जो छोटे बच्चे हैं भले ही अपराधी हैं लेकिन इनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता जो बड़े अपराधियों के साथ किया जाता है, मतलब मेजर के साथ किया जाता है। इनको ये होगा, इनको एक चीज कर दिया जाएगा, रिफॉर्मेटिव सेंटर में रख दिया जाएगा ताकि ये सुधर जाए, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है मित्रों, ठीक है, तो ये चीजें आई, उस सवाल को अभी चर्चा कर रहे हैं। तो धारा 82 आपने देखा कि 7 साल से कम हो वो पूर्णतया छूट जाएगा। धारा 83 में आपने देखा कि 7 साल से ऊपर तो था लेकिन 12 साल से वह कम था। ऐसी स्थिति में उस बच्चे की समझ को न्यायालय देखेगा। और खास करके ध्यान रखिएगा, ये सब जो होंगे सीजीएम साहब इनका निर्धारण करते हैं, और सीजीएम साहब जब भी निर्धारण करेंगे उस एज के जो भी कैटेगरी, उस एज की कैटेगरी में जो भी बच्चे होंगे जिसको आप सो कॉल्ड ऑफेंडर कह रहे हैं या जो ऑफेंडर है ही है भाई, उनके ऊपर आरोप तो लगाइए, अगर उनकी जो समझ है, जिसकी समझ ज्यादा होगी उसको ज्यादा दंड दिया जाएगा, जिसकी समझ कम होगी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये हुई धारा 82 और धारा 83। अब एक धारा आती है मित्रों 84। खास करके ध्यान रखें, ये जो बहुत से लोगों की फेवरेट धारा है 84, 82, 83 तो है ही है, 84 पे भी आप देखें क्या कह रहा है। 84 सेक्शन इंडियन पेनल कोड का,
84 क्या कह रहा है मित्रों, ये देखो 84 कह रहा है अगर आपने कोई अपराध किया लेकिन उस अपराध को करने के पहले या उस अपराध को करने के समय, ध्यान रखना है आपको क्या, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, जब आप कमिट कर रहे हैं क्या ऑफेंस, उस काम को कर रहे हैं जिसको आईपीसी अपराध घोषित करती है, तो ध्यान रखिएगा अगर उस समय आप अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, पागल नहीं, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा है वह उचित क्या है अनुचित क्या है, मेरिट क्या है डिमेरिट क्या है, ये चीजें समझ नहीं पा रहा, वो जो कर रहा है उसका परिणाम तो बात छोड़िए, वो उस कार्य को भी नहीं समझ पा रहा है कि हम जो कर रहे हैं यह उचित है या अनुचित है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करे जो कि अपराध की श्रेणी में आता है तो धारा 84 ऐसे व्यक्तियों को छूट प्रदान करती है कि उनको अपराधी नहीं माना जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अनसाउंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, ऑनरेबल कोर्ट कहता है कि हम जो लीगल अनसाउंड माइंड वाला पोर्शन है, लीगल अनसाउंड माइंड अलग है, मेडिकल अनसाउंड माइंड अलग है, लीगल वाला, अब मेडिकल में तो वो ठीक है भाई, कोई मेडिकल लगा दे कि हम 10 साल से पागल है, नहीं नहीं ऑनरेबल कोर्ट ये कह रही है कि नहीं हम ये नहीं देखेंगे, हमको ये देखना है कि जिस समय वो उस काम को कर रहा है उस समय उसका दिमाग सही था या गलत था। अगर वो उस समय उस काम को, जिस समय काम कर रहा है, अगर उसका दिमाग सही था तो वह अपराधी माना जाएगा, भले ही वो एक मिनट बाद पागल हो गया हो, एक घंटे बाद पागल हो गया हो, अनसाउंड माइंड हो गया हो, दिमाग ना काम कर रहा हो, लेकिन जिस समय वह उस एक्ट को कमिट कर रहा है विच इज कॉल्ड एन ऑफेंस, उस समय भैया अगर उसका दिमाग सही है तो उसको अपराधी घोषित करता है और उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो अन्य अपराधियों के साथ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा धारा 84 अनसाउंड माइंड के व्यक्तियों के बारे में बात करती है कि भैया ऐसे पर्सन जो एट द कमिट ऑफ द एक्ट, जब वो कमिट कर रहे हैं उस काम को कमिट कर रहे हैं जिसको आप ऑफेंस कह रहे हैं, उस समय वह क्या है, एक हिंदी उसकी लिखी जाती है विकृत चित्त, चित्त कैसा हो गया उनका, विकृत हो गया, वो पागल नहीं, वो उस समय अनसाउंड माइंड, उस समय उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, ऐसे लोगों को कानून जो है अपराध से छूट प्रदान करता है कि आपको अपराधी की तरह आपसे व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आप काम कर रहे थे तो आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, जब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था तो आपका मेंसरिया यहां था ही नहीं, क्योंकि किसी भी ऑफेंस को क्रिएट करने के लिए, किसी भी ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए, किसी भी ऑफेंस में पनिशमेंट देने के लिए भैया मेंसरिया इज द नेसेसरी पार्ट, और जब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो मेंसरिया वहां क्या है, मेंसरिया है ही नहीं, और जिस मामले में मेंसरिया नहीं प्रूफ हो पा रही है, आपका इंटेंशन नहीं प्रूफ हो रहा है, वहां अपराध हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से धारा 84 में वो व्यक्ति छूट जाते हैं जिनका दिमाग नहीं काम करता। ध्यान रखिएगा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, दिमाग ना काम करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नहीं, जिस समय आप उस काम को कर रहे तो उस समय आपका दिमाग काम कर रहा था या नहीं, अब ये प्रूफ करने का विषय, ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके प्रोसिक्यूशन वो है आपका नहीं है, ठीक है। अब आइए धारा 85 क्या कह रही है, धारा 85 कह रही है कि धारा 85 और धारा 86 को साथ पढ़ा जाता है, खास करके देखिए धारा 85 कह रही है कि अगर आपने कोई इंटॉक्सिकेशन, इसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है, अगर आपने कुछ भी पेय पदार्थ, सोमरस का पान किया है, शराब पिया है या कुछ ऐसा किया है जो नशीला है, लेकिन ध्यान रखिएगा मान लीजिए ए नामक व्यक्ति, यहाँ एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए नामक व्यक्ति किसी पार्टी में गया, खास करके हम आपको बताएं होली के मौसम ले लीजिए, और उसको किसी ने कहा कि आइए शरबत पिला देते हैं, और उसी शरबत में उसने भगवान शंकर वाला प्रसाद मिला दिया, जब भगवान शंकर वाला प्रसाद मिला दिया लेकिन इस बात की जानकारी ए को नहीं, इसका मतलब क्या है, जो उसकी इच्छा थी उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द विल,
और एक चीज और है, अगेंस्ट द कंसेंट भी यहां आता है, लेकिन वो 86 को ध्यान रखा जाएगा। यहां अगेंस्ट द विल जबरदस्ती पिला दिया गया, आपको पता नहीं था, या ड्रग्स दे दिया जाता है लोगों को जबरदस्ती, उसमें भी 85 काम करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, एक तो ड्रग्स दे दिया गया वहां भी काम करेगा, दूसरा क्या कह रहा है कि भैया अगेंस्ट द विल आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी पिला दिया गया, और ऐसी स्थिति में आपको जानकारी नहीं थी, और जब आपको जबरदस्ती होली पे भगवान शंकर का प्रसाद पिला दिया गया तो फिर भैया ऊपर वाला जाने कि आप क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं 85 की तरफ। चल रहे हैं, हमने 85 पे चर्चा किया कि जब आपको इंटॉक्सिकेट किया गया, आपको शराब पिलाई गई, आपको ड्रग्स दिया गया, जिसकी वजह से आपका माइंड अनसाउंड हो रहा है, लेकिन वो कैसे दिया गया, अगेंस्ट योर विल और अगेंस्ट योर कंसेंट। अब जब विल और कंसेंट के अगेंस्ट दिया जाएगा तो कॉन्सिक्वेंस के बारे में तो आपको पता है नहीं क्या होगा, वो तो सबको पता है क्या होगा। अब ऐसी कंडीशन में ए नामक व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है जिसको इंडियन पेनल कोड ऑफेंस मानता है, तो क्या 85 में ए नामक व्यक्ति को आप दोषी कर, भाई किसी को आप ड्रग्स लगा दें, किसी को आप जबरदस्ती शराब पिला दें, और फिर आप उसके खिलाफ FIR इस बात के लिए करें कि ये जाकर के रोड पे दंगा कर रहा है, ये जाकर के रोड पे बेवड़े की तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उसने उसके तो अगेंस्ट अगेंस्ट उसके बिल के अगेंस्ट पिलाए थे ना, उसकी इच्छा थोड़ी थी। लेकिन यही 86 क्या कह रहा है, यही 86 कह रहा है कि जब आप शराब पीते हैं, एक केस आता है बीएड साहब का, साहब तो नहीं लगाएंगे, वहां पे एक केस आता है, उस केस में क्या होता है, एक आदमी एक पार्टी में जाता है और वहां उसने पार्टी में शराब पी, उसको जबरदस्ती नहीं पिलाया गया, पार्टी में शराब पिया और वहां एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया। अब आप बताइए, जब मान लीजिए उसके साथ उसने गलत किया, विच इज कॉल्ड एन ऑफेंस, जो भी काम किया उसने, एक्ट या ओमिशन, अब वो जो सी नामक लड़की थी जब ए के खिलाफ FIR लिखा रही है, तो ए का स्टेटमेंट ये है कि लॉर्ड सी, जब हम इस एक्ट आर ओमिशन को कमिट किए, दैट टाइम क्या हुआ, हम किस में थे, नशे में थे, हम अनसाउंड माइंड थे, मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं क्या कर रहा था। अब आप बताइए, आप बैठ के शराब पिए लोगों के साथ, तो आप जाकर के चौराहे पे दंगा भड़काएं, चौराहे पे बेवड़ेबाजी करें, और आप कहें कि हम तो शराब के नशे में थे, तो क्या कानून छोड़ देगा आपको, आपने स्वयं शराब पिया। यहां क्या कह रहा है, यहां आपकी विल थी, आपकी कंसेंट थी, इस वजह से आपका इंटेंशन पता है, आपको उसका कॉन्सिक्वेंस पता है कि भैया जब हम शराब पी रहे हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि थोड़ी देर बाद हमारी शरीर लड़खड़ाने लगेगी, अब वो बहुत बड़े पियक्कड़ हो तो बात दूसरी है। ठीक है, तो 86 कह रहा है कि जब लोग अपने मन से पी रहे हैं और पीने के बाद, मैं सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहा हूं, वो इंटॉक्सिकेशन किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, नशा किसी भी रूप में हो सकता है किसी चीज का। अब यहां आप अपने मन से कर रहे हैं और यहां आपके खिलाफ पिलाया जा रहा है, गलत तरीके से पिलाया जा रहा है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो भैया जहां आपके साथ जबरदस्ती पिलाया गया है वहां धारा 85 आपको छूट दे रही है, और धारा 86 जहां आप स्वयं पी रहे हैं तो आपको उसका परिणाम भी पता है, तो वहां कानून आपको छूट नहीं दे रहा है। ये हो गई 86। अब आ जाइए 87 पे, 87 सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 87 क्या करिए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का मतलब क्या, 87 कह रही है कि अगर कोई कार्य सहमति से किया जाए, सहमति से, वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया आप टार्टियस लाइबिलिटी में जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन यहां आप आइए थोड़ा सा वॉलंटरी, कि अगर कोई ऐसा कार्य जो सहमति से किया जा रहा और वो सहमति के बावजूद भी अगर किसी के साथ कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिसको सहमति दे दी गई है अब वह अपराधी नहीं होगा। अब इसको क्रिकेट के मैदान से ले लीजिए, क्रिकेट का खेल हो रहा है, या आप इसको ले लीजिए WWE से, यही तो होता है WWE,
WWE में क्या होता है, एक दूसरे को मारते हैं, हाथ भी तोड़ देते हैं, गर्दन टेढ़ देते हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या हो रहा है, उसको सब आदमी देख भी नहीं सकता क्या हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में दो आदमी हैं फाइट में, उस प्लेटफॉर्म पे फाइट में दो आदमी हैं, हो सकता है बी की जान चली जाए, ए मार दे, खली मार दे अंडरटेकर को, या कौन मार दे भाई, हमको दो ही नाम पता है और तो पता नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक का चोट खाना तय है, दोनों भी चोट खाते हैं। अगर आप बताइए कि बी को खली ने अंडरटेकर का हाथ तोड़ दिया, अगर यही सामान्य स्थिति में आप किसी का हाथ तोड़ देते, तब तो भैया ग्रीवियस हर्ट हो जाता, आपके खिलाफ FIR हो जाती, लेकिन यहां इन लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां 87 क्या कह रहा है, आपने अपनी कंसेंट दी है कि हाँ भैया यहां तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है ही है कि चोट लग सकती है, हाथ टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां जो ये दोनों आए हैं ना भैया, यहां विथ कंसेंट आए हैं। जब हाँ एक चीज है, मैं WWE का तो उदाहरण नहीं लूंगा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसमें एक चीज है, आप ग्रीवियस हर्ट मतलब घोर उपाधि या मृत्यु, इन दो काम को 87 रोकता है। आप किसी का हाथ तोड़ डाले, आप किसी की दांत तोड़ डाले, ऐसी स्थिति कर डाले कि वो 20-20 दिन तक चारपाई पे पड़ा रहे, ये सहमति से नहीं, भले उसकी सहमति हो, लेकिन आप इसको नहीं कर सकते साहब। यहां पे एक केस आता है, एक केस ये था, पासवान साहब, दशरथ पासवान साहब का केस था, आप लोगों के लिए तो नहीं लेकिन फिर भी जान लीजिए, दशरथ पासवान साहब की बीबी और दशरथ पासवान साहब हाई स्कूल पास नहीं हो रहे थे, 10 बार फेल हो गए। अब उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि भाई हम 10 साल फेल हो गए हैं, अब हमारी जीने की इच्छा खत्म हो गई, एक काम करिए तुम हमको जो है मार दीजिए, हमारी मरने की इच्छा है। उनकी पत्नी उस समय बड़ी पतिव्रता थी, खास करके उस समय भी होती थी, आज भी कहीं कहीं पाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि आप अकेले नहीं मरेंगे, हम भी साथ में मरेंगे, हम अकेले जी कर क्या करेंगे। तो ये हुआ कि ये चीज क्लियर हुआ कि भाई अच्छा चलिए ठीक है, मरना है ये, तो कैसे मरा जाए। तो पत्नी ने कहा पहले आप हमको मार दीजिए, फिर आप खुद मर जाइए। तो दशरथ पासवान ने कहा नहीं, ये नहीं होगा, एक काम करते हैं, तुम हमारा गला दबाओ, हम तुम्हारा गला दबाए। अब देखो थी तो मूर्खता, अब जब एक दूसरे का गला दबाया, पति पत्नी का और पत्नी पति का, तो तय है कि जोर ज्यादा किधर से लगेगा, ठीक है। अब भाई पत्नी स्वाभाविक रूप से वो कमजोर होगी, अब इतने में पत्नी तो ऊपर चली गई, अब दशरथ पासवान भगे भैया, अब कैसे खुद मरे, पत्नी तो मर चुकी, दशरथ पासवान भगे। अंततः ये स्थिति हुई कि जब ठीक है पकड़े गए, कोर्ट में मामला गया, तो दशरथ पासवान साहब ने यही कहा कि माई लॉर्ड हम दोनों की सहमति थी, उसकी सहमति से हमने मारा, हम नहीं मर पाए, ठीक है। खैर दशरथ पासवान छूटे नहीं, उनके खिलाफ अभियोग आया, दशरथ पासवान को सजा हुई, वो सब चीजें जब हम आपको मर्डर पढ़ाएंगे तब चीजें आएंगी, अभी मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा था कि आप सहमति का मतलब ये नहीं है किसी को ऊपर पहुंचा दें, चाहे आप पति पत्नी की स्थिति में हो चाहे जो हो। जब मैं आपको दशरथ पासवान पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाऊंगा तो उस समय हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। ये 87 कह रहा है कि भैया आप सहमति से क्रिकेट के मैदान में आप देख लीजिए तय है, कबड्डी आप देख लीजिए तय है, चोट लगनी तय है, लेकिन अब वहां पे जो चोट लग जा रही है आप FIR नहीं कर सकते, क्योंकि वहां आप विद कंसेंट गए हैं और इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी भी आप जानते हैं कि वहां चोट लगना स्वाभाविक है, ठीक है। तो 87 को आप समझ गए होंगे, 87 में अगर किसी को ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ पे भैया पूरी तरीके से कानून आपको छूट देता है। अब क्या है 88, 89 और 90 देख लीजिए। 88 क्या है इसको देखिए, धारा 88, धारा 88 में अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब को खास करके बचाव मिलता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपसे एक फॉर्म पे साइन कराया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और अगर मरीज को कुछ हो गया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर उसको दुर्भावनापूर्ण से मार रहे हैं तब तो डॉक्टर साहब होंगे। ये क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अगर उसकी सहमति से कार्य किया गया, मतलब क्या,
मरीज तो गया, मरीज ने डॉक्टर के साथ ये कंसेंट दे दी, या मरीज का कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वहां पे तीमारदार, उसने उस बात की कंसेंट दे दी कि चूंकि हमारी पूरी सहमति है कि आप इनका ऑपरेशन करिए या आप इनका इलाज करिए, आगे जो होगा ईश्वर की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी, हमारे आपके हाथ में सिर्फ इलाज करना है। इसका मतलब क्या है? थर्ड पार्टी ने, मींस रिप्रेजेंटेटिव ने, डॉक्टर को इस बात की पूरी कंसेंट दे दी कि यू आर फ्री टू डू एनी वर्क अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू का मतलब ये नहीं कि आप उसकी गर्दन काट दे, नहीं, आप डॉक्टर हैं, आप देखें जैसे भी उसकी उसका ट्रीटमेंट हो, जैसे भी उसका उपचार हो, आप उसको करें। ऐसी स्थिति में हो सकता है मरीज मर भी सकता है। अगर मरीज मर गया तब डॉक्टर के खिलाफ क्या होगा, यही बात धारा 88 में इंडियन पेनल कोड बता रही है। क्या करिए ऐसी स्थिति में? उस डॉक्टर को बचाव दे रही है। क्या? क्योंकि डॉक्टर ने क्या किया था, उस व्यक्ति के फायदे के लिए काम किया था, और वो काम क्या किया था, उस व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से उसका ऑपरेशन किया था, उसकी सहमति से उसका ट्रीटमेंट किया था। कॉन्सिक्वेंस वो हुआ कि वो मर गया, दैट इज अदर पार्ट। लेकिन यहां पे डॉक्टर को अक्यूज्ड इस वजह से नहीं बनाया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब की दिक्कत ये थी, डॉक्टर साहब के फेवर में ये था कि डॉक्टर साहब ने उसके फायदे के लिए काम किया था। ठीक है, तो 88 किसको बचाव दे रही है भैया? डॉक्टर्स को बचाव दे रही है। 89 गार्जियन को बचाव दे रही है। डॉक्टर और गार्जियन साथ साथ है। 89 गार्जियन को क्या बचाव दे रही है? इसी में गार्जियन भी बच जाएंगे, इसी में टीचर भी बच जाएंगे, सब बच जाएंगे। 89 क्या करिए, अगर कोई टीचर, आज तो मान लीजिए गुरुजी लोग मारते ही नहीं सारे टीचर, एक समय था हम लोग जब बच्चे थे जबरदस्त पिटाई होती थी पूरे कॉलेज में, पूरे सॉरी स्कूल में दौड़ा दौड़ा के मारते थे गुरुजी लोग, मुंशी जी लोग। लेकिन मुंशी जी मारते थे इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर की गुस्सा उतारते थे, उनका मकसद क्या था, हमको सुधारना, हमें आगे ले जाना। संरक्षक जो गार्जियन है वो आपको चार बात खरी खोटी इस वजह से नहीं सुनाता कि वो आपसे दुश्मनी रखता है, वो आपको संवारना चाहता है, वो आपको आगे ले जाना चाहता है। ठीक है, और जब तक कहा भी जाता है, आप वो फिल्म भी देखे होंगे सूर्यवंशम, कि वो कह रहा है कि जिस खेत में हल न चले वो उपज नहीं दे सकता, वह पत्थर जिसपे छेनी और हथौड़े की मार न पड़े वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। इसलिए साहब जो टीचर है, जो गार्जियन है, अगर वो आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसका मतलब वो सुधारना चाह रहे हैं, और उनको बचाव भी दिया गया है अंडर सेक्शन 89 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर साहब के ऊपर, मास्टर साहब के ऊपर FIR कर देंगे। वो बात अलग है कि आज की जो वेलफेयर सरकारें हैं, सो कॉल्ड वेलफेयर, वो कहती हैं कि आप किसी को मार नहीं सकते, टीचर को ये नहीं कर सकते, ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन इसका कुछ ना कुछ मेरिट भी थी, बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन हो सकता है कुछ उसमें कमियां हैं। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से नहीं नकार सकते कि टीचर आपको सुधार नहीं सकता, उसके लिए डांट नहीं सकता, मार नहीं सकता। ठीक है, ये हुई 89 के बाद एक सेक्शन आता है 90 सिर्फ सहमति की बात करता है, सम्मति, यही कंसेंट की बात बता रहा है। ऐसी बात जो हमने अभी तक आपसे बताया कि सबकी सहमति है, यही बता रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिनको सहमति के रूप में लिया जाएगा। सहमति का मतलब क्या, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 13 और 14 को, यहाँ तो आपको नहीं पढ़ना है जब सिविल जज वाले पढ़ते हैं, मतलब क्या, आपकी सहमति फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में आपने कुछ नहीं दिया, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, फ्रॉड नहीं हुआ, कोएर्शन नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं था, आप एकदम फ्री माइंड से अपनी सहमति दे रहे हैं, उसी सहमति को आपकी सहमति मानी जाएगी। बट आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, कम से कम 12 साल होनी चाहिए, 12 साल के अगर आप ऊपर हैं तभी आपकी सहमति सहमति मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी। तो सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन पेनल कोड आपको बता रहा है कि आखिर ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जो कंसेंट के अंतर्गत आएंगी, उस कंसेंट में जो आपको 84, 85, 86, 87, 88, 89 की बात बता रहा है, जहां आपकी सहमति से काम किया गया है, वहां सहमति आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वह किसी भी दबाव में ना होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, 90 हो गया है। इसके बाद अगली क्लास में आपको थोड़ा बहुत चीजें आगे की क्लास में बताई जाएगी, जो अभी प्राइवेट डिफेंस, अब अगली क्लास में हम प्राइवेट डिफेंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।